जो लगा है वो लगाने के बाद जैसे सरकारी झंडा हो गया, देश का झंडे की मान्यता दी गई और इसी झंडे को लेकर हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और इसी झंडे को लेकर आज़ादी से लेकर आज तक हम झंडे का सम्मान करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि बगैर किसी झंडे के, बगैर किसी निशान के कभी भी हम जो भी कार्य करते हैं वो पूर्ण नहीं। हनुमान जी के बंदे में भी जाते हैं कि कहते निशान चढ़ा रहे और निशान इस बात का प्रतीक है कि भगवान को वो जो हमारी भावना है उसका समर्पण करती है। वैसा ही मामला हमारे देश के झंडे का है। मेरा सभी बच्चों से प्रार्थना है कि झंडे की आन मान शान के लिए हमें जीना है, करना है और प्रेरणा लेना है कि आगे आने वाली पीढ़ी भी इस झंडे की आन मान शान के मैं